अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज जो है ये जूसर था, मतलब कि काम नहीं करता, चलता नहीं है इसकी। या तो मोटर में प्रॉब्लम है या तो किसी चीज़ में प्रॉब्लम है कि ये वर्किंग में सही नहीं है। आज जो हम इसकी देखते हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो देन चेक करते हैं, अब आपको बताते हैं इसके अंदर। ये हमने इसको लगा दिया, ठीक है, स्विच, लेकिन ये नॉट वर्किंग, कुछ भी वर्किंग में नहीं आ रहा। अब हम जो इसको खोलेंगे, चेक करेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर ये सही होती तो ये चलता और साथ आपका बल्ब जो है चलता, ठीक है। अब हम जो इसको खोलते हैं, इसको खोल के आपके सामने जो है इसको चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एक खुल गया हमारा। अब हम इसको भी वैसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, लेकिन आई मुझे जहाँ तक है कि मोटर ख़राब है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है मोटर मौजूद है नहीं, तो चेक करते हैं उसको जो है क्या जो है प्रॉब्लम है, वो भी चेक कराते हैं आपको, वो ठीक है या नहीं ठीक। ये है न्यू मोटर, ठीक है। अब ये है हमारे पास न्यू मोटर, ठीक है। अब इसको जो है हम चेक करते हैं कि इसको ये ठीक है, ठीक ही होगी क्योंकि ये न्यू मोटर है। नट मेरी ट्राई, इसको लगाया हमने इधर, एक तार इधर लग गई और एक ये तार है, देख रहे हैं बिल्कुल सही तरह चल रही है। हम जो है हम इसको इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, पहले इसके टांगे शांगे उतार लेते हैं, देन जो है हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं और फिर जो है ये भी ओके करके आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है ओके होगी। ब्लैक को ब्लैक के साथ जोड़ देते हैं। ठीक हो गया, मोटर हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब जो है हम इसको बिल्कुल अटैच करके देन जो है आपको दिखाते हैं कि हाउ इज इट वर्किंग, मोटर कैसे। ये वीडियो बनेगी हमारी हाउ टू रिप्लेस मोटर। वैसे तो आप हमारे पास लेके हैं, क्योंकि हर कोई जो है नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। वीडियो में शायद आपको इजी लग रहा हो, लेकिन सो डिफ़िकल्ट। ऐसे मैं तरीका क्यों बता रहा हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, वीडियो बन रही है, मैं बोलता नहीं हूँ साथ, आप देखते जाएं। कंप्लीट हो गई है, लगा के ना एक दफ़ा आप चेक कर लिया करें कि चल रही है, ओके या कोई मसला तो नहीं है, देन जो आप इसको वो लगा सकते हैं दोबारा, मतलब के पेच लगा के इसको बंद कर दें। अब मैंने लगा के इसको एक दफ़ा चेक करना है, ठीक है, मैंने लगाया, ओके फुल वर्किंग में, ठीक है। अब मैं इसको बंद करूँगा, फुल बंद करके देन जो है इसको अब स्क्रू लगा लेता हूँ। ये बिल्कुल ओके हो चुकी है, बस ये सील लगा देनी हमने, ठीक है। ये जो उतारी थी
यहाँ पर इसके जो है मोटर के नट बोल्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको भी आज आपके सामने ठीक किया। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं तो आपके पास कोई भी चीज़ ख़राब पड़ी है या कोई रिपेयर होने वाली है तो आप उसकी रिप्लेसमेंट मोटर रिप्लेस करा सकते हैं, जग रिप्लेस करा सकते हैं, कोई भी चीज़ हो इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो आप हमारे पास सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स पास आए, आपको जो है तमाम चीज़ें रिप्लेस भी हो जाएंगी, रिपेयर भी हो जाएंगी। ये जो है ये मतलब कि रिपेयर भी हो सकती थी, वाइंडिंग भी हो सकती है और रिप्लेस भी हो सकती है। हमने रिप्लेस करना बेहतर समझा क्योंकि दोनों की कॉस्ट एक ही पड़ती है, तो इस वजह से हमने जो है रिपेयर का और रिप्लेस समझा। आपके सामने हमने चला के भी आपको चेक करा दी, 100% वर्किंग में आ गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो अगर आप इसके बारे में किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या रिप्लेसमेंट या सर्विस चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में सबसे टॉप पे आपको सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे रब्ता करके किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, फ़ी मानिल्लाह।